आज हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कितनी अमाउंट में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है इसका पता लगाएंगे। सो हमारे पास स्प्राइट की बोतल है। सबसे पहला काम यह है कि आपने स्प्राइट की बोतल में से 250 ml ले के, आलमोस्ट 250 ले लो, 300 ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है, तकरीबन 250 ml ले के आपने इसको गर्म करना है। गर्म करने का मकसद ये होता है कि स्प्राइट की बोतल के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है इसको यहाँ से बबल आउट करवा देना है। कम से कम 4 या 5 मिनट तक इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि बॉयल नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ इसको हीट करना है, जो नॉर्मल हीटिंग होती है ना, तकरीबन 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। बात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने का मकसद ये होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉटल के अंदर कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में मौजूद होती है। अब क्योंकि टाइट्रेशन हमने एसिड बेस करनी है तो मे भी कार्बोनिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और हमारे रिजल्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े, इसलिए हम जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारी की सारी यहाँ से बबल आउट करवा देंगे। ये देख लें, हम इसको गर्म कर रहे हैं, काफ़ी 3-4 मिनट तक हमने गर्म किया है। गर्म करने के बाद इसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो सारी की सारी निकल जानी है और गर्म करने के बाद आपने इसको उठा लेना है। उठाने के बाद इसको थोड़ी देर तक ठंडा करना है, डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं करनी, इसको तकरीबन रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है, बाद में आपने टाइट्रेशन करनी स्टार्ट करनी है। अब जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो है 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है और उसको ब्यूरेट के अंदर फिल कर देना है। ये हम 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ब्यूरेट के अंदर डाल रहे हैं और डालने के बाद इसको बिल्कुल फिल कर लेना है। और नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि जो आपने ये आप चेक कर सकते हैं कि हमने ब्यूरेट को बिल्कुल फुल कर लिया है और ये हमारे पास सारे का सारा अपरेटस यहाँ पड़ा हुआ है जो कि यूज़ होना है टाइट्रेशन में। अब आपने सैंपल सोल्यूशन लेना है। सैंपल सोल्यूशन कौन सी चीज़ होगी, जो हमने सॉफ्ट ड्रिंक को थोड़ा सा गर्म किया बाद में रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया, वही हमारे पास सैंपल सोल्यूशन है। वो सैंपल सोल्यूशन आपने लेना है 50 ml। मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करना है, एग्जैक्ट 50 ml भर के इसको डाल देना आपने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर। ये देख ले, हम इसको मेजर कर रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं, तकरीबन 50 ml होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 ml हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इसको उठा के आपने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल देना है और ये हम इसको टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल रहे हैं और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। और ये हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क तकरीबन 100 ml की होती है, ये जो हमने यूज़ की है यहाँ पर, ये 100 ml की फ़्लास्क है। 50 ml सैंपल सोल्यूशन लेके हमने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो हमने इंडिकेटर, जो यहाँ पर हम फिनोफ्थालीन इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिए जो इंडिकेटर हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर वो फिनोफ्थालीन है। फिनोफ्थालीन के 1 या 2 ड्रॉप काफ़ी हैं, एनफ है। ये 1 या 2 ड्रॉप डाल के आपने नेक्स्ट काम प्रोसीजर आपको पता है जी, टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। इसको अच्छे तरीके से शेक कर लो, शेक करने के बाद आप इसको ले जाओ ब्यूरेट के नीचे। अब स्टॉपर को ओपन कर दें। ओपन करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 0.1 मोलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर गिरने देना है और नीचे से आपने फ्लास्क को कंटिन्यूसली शेक करते रहना है। यहाँ पर आपकी आसानी के लिए वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और डायरेक्ट एंड पॉइंट पे ले जाते हैं कि कहाँ पे एंड पॉइंट आ रहा है। याद रखिएगा हमारी इनिशियल रीडिंग 0 से स्टार्ट हुई है। अब इसके बाद देख लेते हैं एंड पॉइंट क्या आता है। अब यहाँ पे गौर से देखोगे तो कलर चेंज आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। ये 1 ड्रॉप और डाला और ये कलर आपका बिल्कुल चेंज हो गया है। आपने याद रखिए कलर बिल्कुल, यानी कि एक होता है पिंक कलर, एक होता है लाइट पिंक कलर, ये जो अब आया ये लाइट पिंक कलर है, यही हमारे पास एंड पॉइंट है। आपने डायरेक्ट पिंक कलर पे नहीं लेके जाना होता, ये जो थोड़ा सा लाइट पिंक आया ना ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट एंड पॉइंट है। इसके बाद हमने फाइनल रीडिंग नोट की है। फाइनल रीडिंग नोट करने के बाद आपने करना क्या है कि 3 रीडिंग कम अज़ कम कर लेनी होती हैं। 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट यही करना है आपने, इसको निकाल के फेंक देना है। फेंकने के बाद दोबारा फिर 50 ml लेना है, फिनोफ्थालीन इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, फिर आपने रीडिंग इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है, फाइनल रीडिंग नोट कर लेनी है। इस तरह की 3 रीडिंग लेते हैं ताकि हमारे पास जो गलती के चांसेस हों वो कम से कम हों। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन वगैरह। ऑब्जर्वेशन, जो हमने चीज़ ऑब्जर्व की थी वो यहाँ पे हमने टेबल बना ली है कि हमारे पास इनिशियल रीडिंग क्या है, फाइनल रीडिंग क्या है, दोनों रीडिंग में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये सारी की सारी रीडिंग मैंने यहाँ पे निकाल के लिख ली है। अब रीडिंग से पहले आपको चंद एक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
वो सबसे पहली बात है जी, सिट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है। सिट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर तीन कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जा रहे हैं, और याद रखिए कि जो भी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसकी एसिडिक नेचर होती है, ये हाइड्रोजन दे सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या करता है, तीन कार्बोक्सिल ग्रुप तीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ बन जाती है वो कुछ ये वाला कंपाउंड होगा, ये वाले एच रिप्लेस हो जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना है। यहाँ पे एक सिंपल सा ये वाला CH2 यहाँ पे COONA बन जाएगा, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से उतर जाता है और इसकी जगह पे आके सोडियम लग जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही काम होगा, COONA बन जाएगा। सेम काम यहाँ पे जी CH2 के बाद COONA बन जाएगा। तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलते हैं और तीन वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ बन जाते हैं। बस ये वाली चीज़ यहाँ पर याद रखें, आप इस इक्वेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि अगर हमारे पास सिट्रिक एसिड का मोल हो एक, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल यूज़ होंगे तीन। बस ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। और सिट्रिक एसिड का एक और चीज़ देखिए, सिट्रिक एसिड का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये वाला फार्मूला है। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें पुट करके, कार्बन का एटॉमिक मास याद रखिएगा 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इन सब की वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करोगे, पुट करने के बाद इसका जो मोलर मास आता है, बेशक डायरेक्टली आप याद रख लो इसको, अगर मोलर मास डायरेक्टली याद रख सकते हैं, अगर डायरेक्टली याद नहीं रख सकते तो आप यहाँ से कैलकुलेट इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे सबके एटॉमिक मैसेज, तो आपके पास डायरेक्ट मोलर मास आ जाएगा। जो मोलर मास हमारे पास है वह है 192, ये मोलर मास है। एम से रिप्रेजेंट करो, चलो जी मैं रेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ मोलर मास। और ये मोलर मास हमारे पास किस चीज़ का, सिट्रिक एसिड का मोलर मास है 192 ग्राम पर मोल। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें यूज़ होनी है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन जब लास्ट तक करेंगे तो ये वाली चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। चलो जी, अब हमारे पास ये सारी की सारी रीडिंग आ चुकी है। मैंने शुरू में कहा था जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था कि हमारे पास इनिशियल रीडिंग 0 है, तो 8.6 पे जाके एंड पॉइंट आया। मैंने यहाँ पर नोट कर ली, दोनों में डिफरेंस निकाला। हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हुआ, जो ब्यूरेट के अंदर लिया हुआ था, जो हमने देखो हमारे पास ब्यूरेट के अंदर हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया हुआ था, इसके बाद ब्यूरेट को हमने हैंग किया हुआ था किसके साथ, एक स्टैंड के साथ, और इसके नीचे हमने क्या किया हुआ था, सैंपल सॉल्यूशन लिया हुआ था। सैंपल सॉल्यूशन कौन सी चीज़ थी हमारे पास, सॉफ्ट ड्रिंक। नीचे हमने सॉफ्ट ड्रिंक ली हुई थी, ऊपर ब्यूरेट के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था। अब ये वाला कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ था, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट कर ली हैं। दूसरी रेडिंग मेरी 8.40 जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हुआ सेकंड एक्सपेरिमेंट में, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड 8.70 इस्तेमाल हुआ। अब देखो मेरे पास तीन वैल्यूज़ आ रही हैं, सो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप इनकी एवरेज निकालो, आपके पास आंसर थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाता है। एक ही ऑब्जर्वेशन से आप डायरेक्ट रिजल्ट ना निकालें, बाज़ दफ़ा एक ऑब्जर्वेशन आपकी थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, नोट करते हुए थोड़ी बहुत गलत हो जाती है। सो हमारे पास तीन तरह के ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं, तीन तरह की रीडिंग्स मौजूद हैं। सबसे पहली बात, इनकी मीन निकालो। मीन वैल्यू निकालने के लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करो, जितने नंबर हो तो उसके ऊपर डिवाइड कर दो। मीन निकालने के लिए 8.60 प्लस 8.40 प्लस 8.70 इन सबको डिवाइड कर दो 3 के ऊपर। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करना जी 8.6 प्लस 8.4 प्लस 8.7 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.70 और इसको आपने डिवाइड कर देना है यहाँ पे 3 के ऊपर। जैसे आप 3 के ऊपर डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.56 3 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.56 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारे पास किस चीज़ का वॉल्यूम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम जो यूज़ हुआ है, किसका है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, कितना वॉल्यूम यूज्ड हो गया, 8.56 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास एवरेज आई है। अब इसके बाद बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। चलो जी मैं सपोज कर लेता हूँ हमारे पास जो फार्मूला है, मैं इस साइड पे देखो, इस साइड पे हमेशा आपने क्या कर, जो चीज़ नोन होती है ना, जो चीज़ नोन होगी उसको देखो, हमारे पास जिस चीज़ की सारी चीज़ें मालूम है मुझे, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको एक साइड पर लिख लेना है,
और जो चीज़ अननोन होती है, जिस चीज़ को हम मालूम करना चाहते हैं, उसको दूसरी साइड पे लिख लो, सिट्रिक एसिड में दूसरी साइड पे लिख रहा हूँ, सिट्रिक एसिड। एक फार्मूला होता है जी, जो कंपैरिजन करके हम निकाल रहे होते हैं, वो होता है जी M1V1 over N1 इज इक्वल टू M2V2 over N2। अब जितने भी सिट्रिक एसिड के, एम से मुराद है मोलैरिटी, वी से मुराद है वॉल्यूम, एन से मुराद है नंबर ऑफ मोल, ये है नंबर ऑफ मोल NN। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी स्टार्ट की हुई है, तो एक मिनट, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यूज़ को पुट करो, वैल्यू सारी की सारी आपको पता है, सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू मौजूद नहीं होगी, वो किस चीज़ की होगी, मोलैरिटी। किस चीज़ की मोलैरिटी, वो तो हम मालूम करना चाहते हैं, एम टू नहीं मौजूद। अगर M2 हम मालूम करना चाहते हैं, खुद देखो, अगर यहाँ मैं M2 मालूम करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा कि बाकी N2 और V2 को इस साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास M2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ M2 इज इक्वल टू M1 V1 over N1 मल्टीप्लाई बाय, देखो N2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा N2 over V2। चलो जी, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हवाले से सारी की सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट के अंदर ही बता दी थी, क्या हमने जो मोलैरिटी, कितने नॉर्मल मोलर का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो है 0.1 मोलर, और इसका कितना वॉल्यूम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम यूज़ हुआ वो मीन वैल्यू मैंने निकाली है 8.56 आ रही है, 8.56। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की देख चेक कर ले, नंबर ऑफ मोल कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय N2 कितना है हमारे पास, N2 है, N2 असल में मुराद क्या है हमारे पास, जो सिट्रिक एसिड कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं वो है हमारे पास 1 मोल, और सिट्रिक एसिड का टोटल वॉल्यूम शुरू में हमने कितना, कोनिकल फ्लास्क जो हमने नीचे एक जिसको हम ट्राइट्रेशन फ्लास्क कहते हैं या कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, इसके अंदर हमने कितनी सॉफ्ट ड्रिंक ली थी, याद रखिएगा हमने 50 ml लिया था, तो यहाँ मैं 50 पुट करूँगा, बाकी इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 8.56 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 150, तो ये हमारे पास आंसर आया 0.m2। m2 की वैल्यू आ गई है 0.0057 मोलर, सही है, डायरेक्ट यूनिट ही देखो m या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सही है। लो जी, हमारे पास चीज़ आ गई है, M2 क्या है हमारे पास, M2 यानी कि मोलैरिटी ऑफ सिट्रिक एसिड निकल आई है। अब सिट्रिक एसिड की मोलैरिटी से आप डायरेक्ट अमाउंट पे जा सकते हो, क्या फार्मूला है आपने याद रखना है, अमाउंट का फार्मूला हमारे पास होता है अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, याद रखिए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट के हवाले से, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। देखो हमने अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब किसकी मालूम करनी, चलो मैं पूरा लिख रहा हूँ, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सिट्रिक एसिड की मालूम करना चाहते हैं। चलो जी, अब मेरे पास क्या है जी, मोलैरिटी कितनी है 0.0057 मल्टीप्लाई बाय, मैंने कहा था मोलर मैस आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप याद रख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, 192 डायरेक्ट पुट करो आंसर आ जाएगा, नहीं तो आपको कुछ 2-3 मिनट लग जाने इस यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए, अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हो तो नो हेजिटेशन आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पुट करके जो कैलकुलेट किया वो 192 है। अब इस आंसर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 192 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो है 1.09 अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सिट्रिक एसिड, क्या है सिट्रिक एसिड इज इक्वल टू 1.09 ग्राम पर लीटर है यूनिट, याद रखिएगा। अब ना यहाँ पे अगर गौर करोगे ना, इस ये जो हमने लास्ट में एक चीज़ निकाल ली या रिजल्ट निकाल ली, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अमाउंट पर डेसीमीटर का मतलब क्या है, अब इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 लीटर की बोतल लेते हो स्प्राइट की, अगर आप स्प्राइट की 1 लीटर की बोतल लें, अब उस 1 लीटर की बोतल के अंदर आपके पास, 1 लीटर की बोतल के अंदर बात कर रहा हूँ जो हमने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी, स्प्राइट की बोतल इस्तेमाल की थी ना, तो 1 लीटर की बोतल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.0909 ग्राम पाया जाता है, कौन सी चीज़, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक
एसिड, और ये हमारे पास अमाउंट है एग्जैक्ट, सही एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके निकाली है, तो ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन वगैरह है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।